नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। देश की अर्थव्यवस्था का हाल बेहाल है। रोजगार, निवेश तो छोड़िए, निजी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर छटनी ने सबकी परेशानी पर बल डाल दिया है। ऑटोमोबाइल हो या फिर रियल एस्टेट कारोबार, सब जगह मंदी का साफ असर देखा जा सकता है। लेकिन भारत के ही छोटे से राज्य छत्तीसगढ़ के रियल एस्टेट कारोबार में मंदी का असर नहीं है, और इसका दावा है कि खुद राज्य सरकार के आंकड़े बयां कर रहे हैं। ऐसे में आज चर्चा मंदी को मात के इसी मुद्दे पर। भले ही देश महंगाई की मार से जूझ रहा हो, लेकिन देश में एक राज्य ऐसा भी है जो इन दिनों महंगाई को मुंहतोड़ जवाब देता खड़ा है। जी हां, राज्य छत्तीसगढ़। यह हम नहीं बल्कि राज्य सरकार के आंकड़े खुद बयां कर रहे हैं। जिस दौर में देश का औद्योगिक क्षेत्र लड़खड़ा गया है, दूसरे राज्यों की कृषि व्यवस्था चरमराती गई है, रोजगार का गहरा संकट खड़ा हुआ है, आज हम जो चर्चा करेंगे वो छत्तीसगढ़ में मंदी बेअसर पर। लेकिन चर्चा का जो दौर शुरू हो, उससे पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। भले ही देश इस वक्त मंदी की मार से जूझ रहा हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में जमीनों की बिक्री में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है। राज्य में छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री पर रोक लगी थी, जिसे भूपेश सरकार ने हाल ही में हटाया था। छोटे भूखंडों की बिक्री में इससे काफी तेजी आई है। 1 जनवरी से लेकर अब तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो करीब 76,000 छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री हुई है। इधर इस मामले में विभागीय अधिकारियों का कहना है कि गाइडलाइन रेट अधिक होने की वजह से पहले रजिस्ट्री में कमी आ रही थी। पिछले 45 दिनों में ही सरकार को मिलने वाले राजस्व में 69% की बढ़ोतरी हुई है। रजिस्ट्री 1.5 गुना बढ़ी है। आर्थिक मंदी का छत्तीसगढ़ पर नहीं पड़ा कोई असर। भूपेश सरकार के फैसले से मिली मंदी को मात। भूपेश सरकार ने छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री पर हटाई रोक। फैसले के बाद 76,000 छोटे भूखंडों की हुई रजिस्ट्री। 25 जुलाई से सितंबर तक की अवधि में ही राज्य में 27,393 रजिस्ट्री हुई हैं। इसके एवज में राज्य सरकार को 152 करोड़ रुपए राजस्व की प्राप्ति हुई, जबकि इसी अवधि में पिछले साल 17,852 रजिस्ट्री हुई थी और सरकार को महज 90 करोड़ का राजस्व मिला था। आंकड़ों की माने तो करीब 69% अतिरिक्त राजस्व सरकार को मिला है। आंकड़ों में यह बढ़ोतरी भूपेश सरकार के उस फैसले के बाद हुई है, जिसमें सरकारी जमीन की कीमत यानी कलेक्टर गाइडलाइन में 30% की कमी की गई थी। 25 जुलाई से सितंबर तक राज्य में 27,393 रुपए की हुई रजिस्ट्री। राज्य सरकार को 152 करोड़ रुपए का मिला राजस्व। बीते साल इसी अवधि में केवल 17,852 रुपए की हुई थी रजिस्ट्री। भाजपा सरकार को मिला था केवल 90 करोड़ का राजस्व। कलेक्टर गाइडलाइन में की गई 30% की कमी। रियल एस्टेट के जानकारों ने सरकार के इस फैसले को वाजिब बताते हुए कहा था कि मंदी के दौर में भी रियल एस्टेट के कारोबार को ये सहारा देने वाला फैसला है। दरअसल साल 2008 में 2018 तक हर साल जमीन की सरकारी कीमतों में करीब 10% की बढ़ोतरी होती चली गई थी। इसका असर हुआ था कि जमीन की सरकारी कीमत बाजार भाव से ज्यादा हो गई थी, यानी बाजार में जो जमीन की कीमत कम थी उसे खरीदने के बाद 2 गुना बड़ी हुई कीमत पर रजिस्ट्री करानी पड़ रही थी। छत्तीसगढ़ गठन के बाद यह पहली बार हुआ है कि सरकार ने जमीन की गाइडलाइन पर दरें घटा दी थी। करीब 3 साल पहले तमिलनाडु सरकार ने भी कलेक्टर गाइडलाइन कम करने का प्रयोग किया था, तब जमीन की सरकारी कीमत में 30% की कमी की गई थी। आंकड़े बताते हैं कि इसके बाद वहां रजिस्ट्री में 31% की ग्रोथ आया था। छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी इसी साल जुलाई में इसे लागू किया गया था। एक्चुअली गाइडलाइन इसलिए कम की गई, तो 2-3 सालों से मतलब हर साल जो है हमारा रेवेन्यू कम हो रहा था, तो इसका जब एनालिसिस किया गया तो ये पता चला कि कई जगह जो प्रॉपर्टी के गाइडलाइन के रेट्स हैं और जो एक्चुअल मार्केट के रेट्स हैं, गाइडलाइन के रेट्स ज्यादा हैं, तो उसकी वजह से वहाँ की रजिस्ट्री ही नहीं हो पा रही है। सिर्फ रियल एस्टेट मार्केट ही नहीं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी राज्य दूसरे राज्यों को पछाड़ता नजर आता है। एक आंकड़े के मुताबिक देश में ऑटोमोबाइल सेक्टर जहां धड़ाम से गिरा हुआ है, वहीं छत्तीसगढ़ में इसमें बूम आया है।
सरकार का दावा है कि जिस तरह से राज्य में किसानों की कर्ज माफी की गई, 2,500 रुपए समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जा रही है, तेंदुपत्ता बोनस की राशि बढ़ाई गई, ये वो अहम कड़ी रहे हैं जिनकी वजह से राज्य मंदी के प्रभाव से अछूता रहा है। यह उसका रिजल्ट दिखाई दे रहा है। पहले दिन ही हमने ऋण माफी किया, 2,500 रुपए क्विंटल में धान खरीदी किया, 4,000 प्रति मानक दर से तेंदुपत्ता खरीदा, 400 लीटर की बिजली बिल आधा किया, सिंचाई कर माफ किया, ये सारे 35 किलो चावल जो दे रहे हैं, तो उससे हुआ ये है कि छोटे प्लाट की रजिस्ट्री का फैसला किया 30% कलेक्टर गाइडलाइन से कम किए, ये सब जो सुधारात्मक काम किए और साथ ही जो लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने का काम किया, उसके कारण से जहां पूरे देश भर में मंदी है, छत्तीसगढ़ में मंदी का प्रभाव नहीं दिखाई दे। छत्तीसगढ़ में ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी जबरदस्त उछाल, गाड़ियों की बिक्री में अब तक 15.76% का आया उछाल। राज्य के उद्योगपति भी मानते हैं कि देश में मंदी की जो हालत है उससे तुलनात्मक तौर पर छत्तीसगढ़ की स्थिति बेहतर बनी हुई है। ऑटोमोबाइल सेक्टर हो या फिर मोबाइल, ऐसी हर जगह पर राज्य में ग्रोथ बेहतर है। इसकी वजह सरकार की नीतियां रही हैं। औद्योगिक बिरादगी की मांगों पर सरकार की गंभीरता दिखती है। छत्तीसगढ़ में जब से ये नई सरकार आई है और जो किसानों को जो पैसा पंपिंग हुआ किसानों को इलेक्शन के बाद लगभग 12-15 हजार करोड़ रुपए है, उससे जो बाजार में पैसा आया है, तो हिंदुस्तान में जो एक मंदी चल रही है उसके कंपैरेटिव में छत्तीसगढ़ जैसे हमारा ऑटोमोबाइल स्टेट है वो लगभग 17-18% की ग्रोथ में है। और ऑटोमोबाइल्स में कुछ सेगमेंट बहुत अच्छा कर रहे हैं, टू व्हीलर बहुत अच्छा कर रहा है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बहुत अच्छा कर रहा है, वहां ग्रोथ है। कार में थोड़ा माइनस है, लेकिन पैन इंडिया से कंपेयर करेंगे तो छत्तीसगढ़ की बहुत अच्छी स्थिति में। हालांकि बीजेपी सरकार दलीलों से सहमत नजर नहीं आती। बीजेपी के प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी का कहना है कि कर्ज लेकर मंदी दूर करने की बात अशोभनीय है। बाइक देखिए, मंदी का हल्ला ज्यादा है, मंदी का असर तो है पूरे देश में है और छत्तीसगढ़ में भी है, लेकिन इतना व्यापक नहीं है जितना कहा जा रहा है। और वित्त मंत्री जी, केंद्रीय वित्त मंत्री जी लगातार मंदी को रोकने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ये कहना मंदी का असर नहीं है, 13,000 करोड़ रुपए कर्ज लेकर जो काम किया गया है उससे क्या मंदी दूर हो जाएगी? बहरहाल देश मंदी के भंवर में फंसता चला जा रहा है। ऐसे में हर किसी की टकटकी नजरें छत्तीसगढ़ के उस फॉर्मूले को देख और समझ रही हैं जिनके बूते राज्य ने अपने आप को मंदी की जद से बाहर रखा हुआ है। हालांकि इन सबके बीच सवाल ये भी है कि आखिर राज्य मंदी से कब तक अपने आप को बचा रख पाता है। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन जगन्नाथ राव के साथ आशीष तिवारी की रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रायपुर स्टूडियो में मौजूद हैं रमेश वलियानी, कांग्रेस नेता हैं, श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, भाजपा नेता हैं, और तपेश चंद्र गुप्ता हैं, अर्थशास्त्री, और साथ साथ महेंद्र मुकिम जी हैं और जो उद्योगपति हैं। आप सभी लोगों का स्वराज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले श्रीचंद सुंदरानी जी, आपके पास आऊंगा कि जो ये आंकड़े सरकार ने पेश किए हैं, इन आंकड़ों से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, पूरा इत्तेफाक रखते हैं हम, कहीं पे भी हम जो आंकड़े दिए जा रहे हैं कहीं धरातल पे होने चाहिए। और देश में मंदी की बात हो रही है, मैं निश्चित रूप से इस बात से सहमत हूँ कि विश्वव्यापी मंदी है, लेकिन छत्तीसगढ़ का, पूरे भारतवर्ष का अगर हम जीडी देखें, टैक्स कलेक्शन, जीएसटी का कलेक्शन देखें हम, तो जून जुलाई अगस्त ये 3 महीनों में लगातार मंदी की खबरें आ रही थी और जीएसटी 6.25% पूरे देश में बढ़ा है। अगस्त की अगर अकेली बात करें तो 93,000 करोड़ रुपया 2018 अगस्त में आया था और इस बार आया है करीब करीब 98,000 करोड़, 5,000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है जीएसटी में। ठीक है,
मेरा सवाल और जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण पूरे भारत में भी मंदी का असर थोड़ा बहुत जो देखने को मिला, वित्त मंत्री जी लगातार इस दिशा में कदम उठा रही हैं, ब्याज की दरें लगातार इस देश में कम होते जा रही है, मेरा सवाल था रियल एस्टेट के क्षेत्र में काफी राहत देने की इत्तेफाक रखते हैं उससे जो अभी हाल ही में जो सरकार ने आंकड़े पेश किए हैं, छत्तीसगढ़ की मैं बात कर रहा हूँ, देश में मंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में जो आंकड़े पेश किए सरकार ने, उन आंकड़ों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए कार के क्षेत्र में यहाँ भी मंदी है, उतनी मंदी है जितनी अन्य देश अन्य प्रदेशों में है, ठीक है। टू व्हीलर सेक्टर में मंदी नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो धान का समर्थन मूल्य वगैरह का थोड़ा सा प्रभाव दो महीना तीन महीना देखने को मिला, लेकिन आज अगर हम पूरे साल की बात करेंगे तो आज व्यापार की स्थिति स्टील सेक्टर में आप देखिए लगातार यहाँ पे छत्तीसगढ़ में अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा मंदी का असर है। सीमेंट का रेट अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ में सबसे कम है दूसरे राज्यों के मुकाबले, तो कैसा कह सकते हैं, रियल इस्टेट सेक्टर पूरी तरह से घायल पड़ा हुआ है। फिर भी रजिस्ट्री तो हो रही है सर, छोटे प्लाटों की रजिस्ट्री खोलकर जो एक राहत दी गई थी वो भी क्षणिक थी, वो 40,000 ऐसी रजिस्ट्रियां बची हुई थी पूरे प्रदेश में जिसके कारण 50-60 करोड़ रुपया, आज एक रिपोर्ट छपी है 200 करोड़ रुपया क्वार्टर में पेट्रोल का डीजल का पेट्रोलियम का वेट घटा है। कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि इस इत्तेफाक जो आंकड़े आए उनसे आप नहीं रखते हैं, कम शब्दों में ये कहा जाए? बिल्कुल नहीं रखते हम। चलिए हालांकि आप नहीं रखते, अब रमेश जी की बात भी सुन लेते हैं। रमेश जी, आंकड़ों से बीजेपी इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखती, हालांकि जो आंकड़े पेश किए गए हैं उससे व्यापारी इत्तेफाक रखते हैं, उद्योगपति इत्तेफाक रखते हैं, और मुझे नहीं लगता कि टमाटर प्याज महंगी हुई है तो इससे आम जनता को लग रहा हो कि नहीं छत्तीसगढ़ में ज्यादा मंदी हुआ, यहां पर ज्यादा मंदी का असर हुआ, ऐसा कुछ है नहीं। तो आपसे जानना चाहूंगा कि सरकार ने जो आंकड़े पेश किए हैं उनसे आंकड़ों से अगर देखा जाए और राज्यों से तुलना की गई है, और एक ऐसा पहला राज्य छत्तीसगढ़ को बना दिया गया है कि जिसमें मंदी की मार बिल्कुल नहीं है। देखिए भदौरिया जी, असल में सीचंद सुंदरानी जी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रहे हैं, तो उनको आज राजनीतिक भाषा न बोलकर वास्तविक भाषा बोलना चाहिए, क्योंकि ये आर्थिक स्थिति से मामला है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में मंदी का कोई असर इसलिए नहीं है क्योंकि कांग्रेस के मुख्यमंत्री महोदय भूपेश बघेल जी ने तत्कालीन कदम उठाए, जैसे किसानों का कर्जा माफ किया एक बड़ा कदम वो हुआ, दूसरा 2500 रुपए क्विंटल की दर से हमने धान खरीदी का काम किया, बिजली का बिल हमने हाफ किया, ये जो रजिस्ट्री रुकी थी उसको हमने ठीक करने का काम किया जो छोटे छोटे प्लाट का था, तो इससे हमने वहां पर डिमांड के लिए एक डिमांड पैदा की। जब क्रय शक्ति आपके पास आएगी तब आपका बाजार चलता है, ठीक है। तो जब तक हम किसी परचे कंज्यूमर के हाथ में क्रय शक्ति नहीं देंगे तो बाजार में रौनक आ नहीं सकती है। वही काम हमारी भूपेश बघेल की सरकार ने करने का काम किया है, ठीक है। और निश्चित रूप से यहाँ पर रियल एस्टेट में भी बूम आया है, सुंदरानी जी में भी आया है, सीमेंट बहुत महंगा मकान नहीं, और टू व्हीलर में भी आया है। नहीं नहीं सीमेंट तो देखिए सीमेंट सस्ता है छत्तीसगढ़ में, अब ये बोल वो इसलिए सस्ता है क्योंकि हमारा प्रोडक्शन यही होता है, ट्रांसपोर्टेशन बस्ती है, ठीक है, तो इसलिए सस्ता है। इसका मतलब ये नहीं सस्ता तो कोई उनको घाटे में कोई बेच रहे हैं। अच्छा ये ठीक है, तपेश जी के बात मिला के मेरा ये कहना है कि छत्तीसगढ़ में अन्य राज्यों की तुलना में निश्चित रूप से मंदी का कोई असर नहीं है, और उसके लिए सरकार की नीतियां ही नीतियों ने यह स्थिति आज पैदा की हुई है। अच्छा ये नीतियों के बारे में जान लेते हैं, जहां जब जीएसटी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल मैं अभी आपके पास लौटूंगा एक बार रमेश जी, जी 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 बात पूरी कर लीजिए रमेश जी। जी नहीं मैं ये कह रहा हूं कि जो असली मंदी का जो दौर आया पूरे देश में वो आया है नोटबंदी और जीएसटी के कारण, इसके कारण देश में मंदी आई है, विश्वव्यापी मंदी का असर नहीं है। विश्वव्यापी मंदी तो मनमोहन सिंह जी के टाइम भी आई थी लेकिन संभल गई थी, लेकिन यहां जड़ में है नोटबंदी और जीएसटी। नोटबंदी से छोटे छोटे रोजगार तबाह हो गए, और मैं एक चीज और कर दूं, छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने एक नई नीति बनाई औद्योगिक नीति जिसमें हम सीएससी आईडीसी के माध्यम से यहाँ के उद्योगों का जो उत्पादन होगा वो खरीदेंगे, तो ये भी एक बूस्टअप देने का काम है हमारा। ठीक है ठीक है,
तपेश जी, जिस तरीके से रमेश जी कह रहे हैं कि जो कुछ भी है मंदी का अगर असर नहीं है तो सिर्फ भूपेश जी की नीति का जो है कमाल है, उन्होंने जो नीति लाई वो उन्हीं का ही कमाल है जिसकी वजह से वहां पर नहीं इस तरीके की मंदी की मार नहीं पड़ी। छत्तीसगढ़ एक ऐसा ही राज्य है। हालांकि सुंदरन जी का थोड़ा सा तर्क अलग था कि जैसे कि ऑटोमोबाइल का जिक्र किया गया, ऑटोमोबाइल में काफी अच्छा ग्रोथ है, 15% के तकरीबन उसमें इजाफा देखा जा रहा है, बाकी और सेक्टर्स में भी जिक्र है रियल एस्टेट का, लेकिन इनमें कितना वाकई कितनी सत्यता है, इन नीतियों का वाकई असर हुआ है या फिर इसे और कुछ कहा जाए या इसे नीति का ही असर कहा जाए? तपेश जी की आवाज नहीं आ रही है, मैं तपेश जी आपके पास से लौटूंगा, अभी आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तब तक मैं महेंद्र जी से एक सवाल ले लेता हूं। महेंद्र जी, जिस तरीके से देखा जाए बीजेपी इससे इत्तेफाक नहीं रखती इन आंकड़ों से, आप तो चूंकि उद्योगपति हैं तो आप पे चूंकि गुजरती है, जब भी मंदी पड़ती है तो सबसे ज्यादा सबसे पहले आप पे ही पड़ती है, तो उद्योगपति होने के नाते वहां पे क्या हालात पहले थे और क्या अब हैं? वाकई ये कहा जा सकता है छत्तीसगढ़ उन राज्यों में से नहीं है, एक इकलौता राज्य जहां पर मंदी की कोई मार नहीं है? नहीं, पूरी तरह ऐसा कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ में जो उद्योग है उन उद्योगों का लगभग 80-90% माल भारत के संपूर्ण दूसरे राज्यों में जाता है। अगर मान लीजिए दूसरे राज्यों में मंदी है तो उसका बहुत स्वाभाविक असर छत्तीसगढ़ के उद्योग जगत पर रहेगा, जैसे कि हम स्टील में, मिनरल्स में, सीमेंट में लीडिंग इंडस्ट्री है, हमारा शेयर लगभग 40% टोटल इंडिया के प्रोडक्शन का है, तो ये सारे इंडिया में स्प्रेड होता है और मंदी तो ग्लोबल है, विश्वव्यापी मंदी है, तो उद्योग जगत पर भी इसका बहुत अच्छा खासा असर है। लेकिन इसके साथ मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा कि वर्तमान में सरकार ने जिस तरह के कदम लिए हैं छत्तीसगढ़ के उद्योगों के लिए, बहुत सारे ऐसे कानून, बहुत सारे ऐसे हर्डल्स जो इंडस्ट्री की ग्रोथ को रोके हुए थे, लिमिट किए हुए थे, उसको विड्रॉ करने का जो मुख्यमंत्री जी ने अभी अभी घोषणा की है, अगर उन घोषणाओं पर कारगर काम हुआ तो निसंदेह छत्तीसगढ़ की इंडस्ट्री एक नए लेवल पर पहुंचेगी। जैसे कि आपने बोला कि कुछ उद्योगों में जितनी मार पड़नी थी उतनी नहीं पड़ रही, पर हाँ ये कहा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि मंदी की मार नहीं है उद्योगों पर, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि हाँ थोड़ी सी राहत जरूर है, वो राहत किन कारणों की वजह से, वो कारण आपसे जानना चाहूंगा मैं। देखिए, राहत अभी तत्कालीन ये दी गई है, एक वातावरण बहुत सकारात्मक प्रदेश में बना है उद्योग को लेकर, जो सरकार में आज उद्योगपति को ये भरोसा है कि सरकार हमारे साथ है और हमारी परेशानियों को दूर करेगी, और उद्योग जगत के लिए ऑप्टिमिज्म का जो माहौल होता है वो भी एक बहुत बड़ी ताकत हुआ करता है। ठीक है, तो वो हमारे प्रदेश में है, और अभी जैसे जिस तरह से घोषणाएं की गई है कि उद्योग के रास्ते में आने वाले जितने भी गैर जरूरी कानून हैं, जमीन को लेकर जो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, उन सबको तत्काल दूर किया जाएगा, सिंगल विंडो बनाया जाएगा जिससे नए उद्योग लग सके। ठीक है, एग्रीकल्चर बेस, हमारे यहाँ बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट हैं, वनोपज है, उनसे रिलेटेड तहसील स्तर पर छोटे उद्योगों को लगाया जाएगा। अगर ये सारे कदम जैसे कहा जा रहा है लगातार उठाए जाएंगे तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि जो छत्तीसगढ़ का उद्योग जगत है वो नई ऊंचाइयों को पा सकेगा, और इन सारी घोषणाओं के कारण एक बहुत ही सकारात्मक वातावरण उद्योग को लेकर हमारे प्रदेश में बना है, और ये बहुत अच्छी बात के रूप में मैं देखता हूँ। चलिए, उद्योगपति होने के लिए आपने अपनी राय रखी। तपेश जी, जिस तरीके से देखा जाए, आपने पूरी तीन लोगों की बात सुन ली है, और जिस तरीके से अगर देखा जाए उद्योग की बात करें तो मंदी का असर ऐसा नहीं है उद्योग में, बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने कि जब पूरे भारत देश और पूरे विश्व में ही है तो जाहिर सी बात उससे बचा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए कि और राज्यों की अपेक्षा नीतियों की वजह से भूपेश सरकार की यहां पर वो मंदी का दौर नहीं आ पाया है जो देश के अन्य राज्यों में है, इसमें कितनी सत्यता है और आंकड़े क्या कहते हैं, नीतियों को आप कितना सही मानते हैं? नहीं आ रही आवाज,
तपेश जी की आवाज नहीं आप पहुंच पा रही है तकनीकी असुविधा के कारण, कोई बात नहीं। तब तक हम सुधराम जी, जिस तरीके से अगर देखा जाए नीतियों की बात कही गई है, जब रमन सिंह की सरकार थी तब भी बहुत सारी नीतियां बनाई गई थी और बहुत सारी नीतियों पर काम भी हुआ था। हालात तब अच्छे थे, मंदी का दौर नहीं था, लेकिन अब हालात थोड़े से ज्यादा नहीं कहा जा सकता, पर हाँ इतने हैं कि यहां कहा जा सकता है कि मंदी का दौर चल रहा है। तो ऐसे में आप जो भूपेश सरकार की जो नीतियां हैं उनसे कितना इत्तेफाक रखते हैं? हालांकि वो देखा जाए किसान के क्षेत्र में बात की जाए तो वहां किसानों को लाभ पहुंचाया उन्होंने, जो नीतियां बनाई वो भी ठीक थी, लेकिन अगर बात करें रोजगार की, क्योंकि मंदी जो होती है उस पर रोजगार पर भी बहुत डिपेंड करती है, तो क्या रोजगार छत्तीसगढ़ में बढ़े हैं? बिल्कुल रोजगार नहीं बढ़े, विकास के काम ठप हो गए। 15,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है सरकार ने 9 महीने के अंदर, रेलवे कॉरिडोर 6,200 करोड़ रुपए का केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट पास किया। डॉक्टर रमन सिंह जी ने 15 साल यहाँ पे शासन किया, बहुत सारी योजनाओं को लागू किया। रेलवे कॉरिडोर को इसलिए अस्वीकार किया जा रहा है कि 10% जो मार्जिन राज्य सरकार को देना है 620 करोड़ रुपया, वो देने की स्थिति में राज्य सरकार नहीं है। आज भी 1,000 करोड़ का कर्ज लिया है, तनख्वाह बांटने के लिए कर्ज लिया जा रहा है, विकास के नाम पे पूरी तरह छत्तीसगढ़ ठप हो गया है। एक 9 महीने में एक विकास का काम स्वीकृत नहीं किया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितने विकास के काम स्वीकृत किए थे उन्हें सारे कामों को निरस्त किया गया, वो सारे फंड वापस बुला लिए गए। 6 महीने बजट के निकल चुके हैं लेकिन विकास पे 1 रुपए का खर्च न करना, 9 महीने की सरकार में कहीं पे भी नया भूमि पूजन नहीं हुआ है। जब विकास नहीं होगा तो रोजगार के अवसर घटेंगे, विकास होता है तो रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं। लोगों के पास पैसे नहीं है, नौकरियां जा रही है लोगों की, इन्होंने कहा था कि शपथ पत्र देकर कहा था कि हम नई नौकरियां देंगे, बल्कि एडहॉक बेसिस पे जितने लोग थे उनको निकालने का दौर चल रहा है। बेरोजगारी का संकट खड़ा होगा छत्तीसगढ़ में, बेरोजगारी का संकट, जैसे कि आपने कहा है कि आर्थिक दशा हमारी ठीक है। सुंदरानी जी, आपने कहा है कि सरकार ने इतना कर्ज ले रखा, कर्ज लेने के लिए ही होता है, अगर सरकार ने ले रखा तो अभी समय ज्यादा बीता नहीं है, तो ये कहना तो गलत होगा कि सरकार ने कर्ज ज्यादा ले रखा है तो इससे 9 महीने में 15,000 करोड़। बिल्कुल सुंदरानी जी, आपसे मैं आपके पास लौटूंगा। तपेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फिर से। तपेश जी, जिस तरीके से यहाँ पर बात मंदी की चल रही थी, क्या रोजगार का वहाँ आलम है? नीतियों को कितना महत्व देते हैं अगर वाकई आंकड़े सही है तो? नहीं, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन शासन जब जब करेगी तब तब आर्थिक विकास का दौर उतार और चढ़ाव और गिरावट की ओर रहेगी, ठीक है, और इससे अर्थव्यवस्था पर उसका विपरीत प्रभाव या सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। और छत्तीसगढ़ राज्य की जहां तक बात है, छत्तीसगढ़ राज्य शुरू से ही प्रगतिशील राज्य रहा है और यहाँ के लोग छत्तीसगढ़ यहाँ सबले बढ़िया के नाम से प्रख्यात रहे हैं, और यहाँ पे अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप था, लोग बात के अपने स्वावलंबन होने के प्रवृत्ति थे, उससे निश्चित तौर पे अर्थव्यवस्था मजबूत रही है और उसका प्रभाव देखने के लिए नहीं मिलेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था में जो चीजें परिवर्तन करनी चाहिए थी हमने सकारात्मक रूप में किया है, चाहे ऋण माफी हो, चाहे वह आपके भूमि खरीदने के संदर्भ में सरलीकरण का हो, ये सब चीजों से सम्बलता मिली है। और मंदी का जहां तक बात है, यह राज्य स्तर का मुद्दा नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है और ये पश्चिमी क्षेत्रों से भी होते हुए भारत में प्रवेश किया है, और छत्तीसगढ़ राज्य में अभी उद्योग की संभावना है और कृषि के विकास की संभावना है, इंफ्रास्ट्रक्चर का पूर्ण रूप से अभी विकास नहीं हो पाया है, अभी भी इसकी संभावनाएं हैं। इन सब चीजों को रहते हुए रोजगार के अवसर में भी वृद्धि हो सकती है, तो निश्चित तौर पर मानिए कि इस प्रदेश में इतने जल्दी मंदी का प्रभाव नहीं आएगा। यद्यपि राष्ट्रीय स्तर पर कुछ होगा तो उसका लिए जो सकारात्मक कदम उठाई जा रही केंद्र सरकार के द्वारा, उसका भी लाभ राज्य सरकार को मिलेगा और अर्थव्यवस्था यहाँ की मजबूत होती चली जाएगी। कोई भी राज्य सरकार ये नहीं चाहती कि उसकी जनता किसी भी कष्ट या परेशानी में रहे और वो खुशहाल अपने आप को महसूस करे, यह सिर्फ काल्पनिक बातें हो सकती है।
हर राज्य सरकार चाहती है कि उसके जीवन काल को बनाए रखने के लिए वह जनता को खुश रखे, और यही प्रयास अभी वर्तमान सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसी तरह ठीक केंद्र सरकार के द्वारा भी नीतिगत रूप से ऐसे पहल करते हुए अपने देश के विकास के लिए पहल की जा रही है। और उद्योग की जहां तक बात है, कुछ उद्योग निश्चित तौर पर संकट में है। औद्योगिक विकास औद्योगिकरण के साथ साथ परिवर्तन की ओर जा रहा है, वहां पे मंदी का दौर आया है। अधिक उत्पादन हो जाने के कारण, मांग कम हो जाने के कारण वहां पर मंदी का दौर आया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के लिए शासकीय नीति जितनी जिम्मेदार होती है, उतने ही उपभोक्ता भी होते हैं जो फैशन आधुनिकीकरण और औद्योगिकरण के जमाने में अपने स्वरूप को परिवर्तित कर रहते हैं, जिससे उसके मांग और उसके मूल्य में परिवर्तन आते रहता है। इस प्रकार से जो विश्वव्यापी मंदी है, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के लोग ज्यादा शौकीन नहीं है, ज्यादा फैशन के अनुसार नहीं चलते, अपने परंपरागत और रीति रिवाजों से बंधे हुए हैं, तो उसका लाभ प्राप्त हो रहा है। यदि अगर हम अपने परंपराओं से बंधे रहेंगे तो उसका लाभ हमको प्राप्त होता रहेगा। तो जिस तरीके से सफेद सी, अगर ये कहा जाए कि भूपेश सरकार कह रही है कि उसने कुछ महीनों में आकर यहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं ऐसी नीति लागू की है जिसकी वजह से यहाँ पर हालात ऐसे हैं, तो ये क्रेडिट लेना कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि भूपेश सरकार क्रेडिट ले रही है, क्योंकि आपने कहा कि यहाँ पर अर्थव्यवस्था ऐसी है कि यहाँ पर इतनी जल्दी मंदी का असर दिखाई नहीं देता। हाँ, निश्चित तौर पे, और उसको संभलता थोड़ी सी मिल गई। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में किसानों की संख्या ज्यादा है, यहाँ के लोग का रोजगार जो है लगभग 80% लोग कृषि पर आधारित है, और यदि अगर कृषि के क्षेत्र में कोई आमूलचूल परिवर्तन किया जाता है तो निश्चित तौर पे किसान संबल होगा तो प्रदेश संबल होगा, और कृषक अगर संबल है तो रोजगार के अवसर होंगे, वहां पे आपके मंदी का प्रभाव नहीं होगा। तो कृषकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने से प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, ये तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ। ठीक है, मतलब ये किसान संपन्न है, ये कहा जा सकता है। राज्य सरकार को औद्योगिक नीति लाने का है, उसे यदि अगर सरकार सकारात्मक पहल करती है तो निश्चित तौर पर उसका लाभ प्राप्त होगा। सरकार को पहल ये करना चाहिए, देखिए औद्योगिक नीति अब तक के टेबल में बैठ के निर्णय होता था, अब समय आ गया है कि ऐसे समय में युवा लोगों को, प्राध्यापक वर्ग को जो शिक्षा नीति को बना रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं, उन सब चीजों को जोड़ते हुए यदि अगर औद्योगिक नीति बनाई जाती है तो मैं मानता हूं कि यह प्रदेश जो है आगामी 10 वर्षों के लिए प्रगतिशील की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, रोजगार की समस्या वहाँ कितनी विकराल है, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि रोजगार, जब जाहिर सी बात है अगर मंदी का असर नहीं तो रोजगार भी अच्छे खासे होने चाहिए। नहीं, रोजगार में ऐसा देखिए, एक कहने में सुनने में थोड़ा सा कड़वा सा लगता है कि आप कॉलेज में जो पढ़ के आ रहे हैं, जो स्कूल में पढ़ के आ रहे हैं, जो टेक्निकल एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, क्या वर्तमान औद्योगिकरण के अनुरूप है, क्या वो उस प्रकार की दक्षता हासिल कर पा रहे हैं? आज बच्चे PGDCA करके आ रहे हैं, कंप्यूटर ऑपरेटिंग का काम दे दीजिए या उसे डिजाइनिंग करके आ जाए तो वह उस कार्य को नहीं कर पाते हैं। तो दक्षता एक अलग चीज है, शैक्षणिक योग्यता एक अलग चीज है। तो वही मैं चीज कह रहा हूँ, औद्योगिक नीति बनाते वक्त हमको अपने शिक्षा को उसी प्रकार से मजबूत करते हुए औद्योगिक नीति बनानी पड़ेगी। यदि अगर हम परिवेश का ध्यान नहीं रखेंगे, अर्थव्यवस्था का ध्यान नहीं रखेंगे, औद्योगिकरण की ओर चिंतन नहीं करेंगे तो रोजगार ऐसे ही चौपट होते चले जाएगा। जो 1960 में जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा था वह भी आज तक पढ़ाया जा रहा है, उसे परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो कहां से रोजगार के अवसर पैदा होंगे? रमेश जी, जिस तरीके से देखा जाए, हालांकि जो एक तरीके से तपेश जी ने जो आंकड़े पेश किए या फिर जो आधार उन्होंने बताया कि आखिर क्या वजह है कि यहाँ पर मंदी का जो कहा जा रहा है कि इतना असर नहीं है, उसका बहुत ही संक्षिप्त तो बहुत ही अच्छा वर्णन दिया उन्होंने। लेकिन रमेश जी, कहा जाए, हालांकि अभी कोई वक्त ज्यादा नहीं हुआ है भूपेश सरकार को, तो उस पर इस तरीके का अगर बात की जाए कि नहीं भूपेश सरकार की नीतियां काम नहीं कर रही, तो ये कहना भी गलत होगा। लेकिन जिस तरीके से अब आगे की जो नीतियां हैं वो क्या होंगी, क्योंकि अब तक की नीतियों ने जनता ने भी समर्थन किया है और व्यापारियों ने भी समर्थन किया है, इसमें कहने में कोई संदेह नहीं। मधुरिया जी, मैं बता दूं कि भूपेश बघेल सरकार ने सबसे बड़ा काम ये किया है कि कृषि अर्थव्यवस्था को नए आयाम, नई ऊंचाइयां दी है। जहां केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य रखा था 1750 रुपया, हम 2500 रुपया गुंडे की तरफ से किसानों का धान खरीद रहे हैं, तो एक किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने का काम किया है। दूसरा, हम लोग कृषि और जो वनोपज है उस बेस पर हम इंडस्ट्री लगाने जा रहे हैं छोटी छोटी, उसी में रोजगार मिलेगा। यानी लघु इकाइयां जो रोजगार देती है उसकी तुलना में जो बड़ी मशीनी वाली इकाइयां वो रोजगार ही देती है,
तो उसी नीति पर चल रहे हैं। हमारे पास वन वन का बहुत बड़ा इलाका है जहाँ वनोपज है, वनोपज बेस इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहे हैं। अभी मक्के का फूड प्रोसेसिंग प्लांट वहाँ बस्तर में लगाने का काम चल रहा है, लाख है, अलग अलग मेडिसिन वाली कुछ वहाँ वस्तुएं हैं, इमली में बहुत फायदा होती है। तो सब उन क्षेत्रों पर करेंगे और नई उद्योग नीति हमारी आएगी 1 अक्टूबर से, उसमें आपको आगे की नीति मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि यही के उद्योगों से माल सरकार खरीदी जो करती है वो की जाएगी। आज जेम के माध्यम से जो खरीदी हो रही थी उससे यहाँ की इंडस्ट्री वालों को नुकसान हो रहा था। और जो ये बोल रहा है कर्जा, कर्जा तो कोई लेगा ही लेगा, पहला साल था कर्जा माफी करना था इसलिए कर्जा लेना पड़ा, लेकिन बड़ी स्थिति आएगी नहीं। रमेश जी मैंने उसका समर्थन किया, लेकिन यहाँ पर जैसे कि आपने जिक्र किया वन उपज और छोटे छोटे लघु उद्योग की जिक्र कर रहे हैं आप, आपका भी एक नरवा गरवा उर्वावाड़ी की अगर बात करें गोठान बनाने का जिक्र किया, उससे सबसे ज्यादा गांव में लाभ पहुंचेगा, लेकिन कुछ गोठानों का तो ऐसा हालत हो गया गाय न पहुंच रही ना वहां पर जानवर पहुंच रहे हैं, गोठाने बंद होने को आगे कोई हाल जानने के लिए नहीं पहुंच रहा है वहां पर, वो तो बहुत प्राथमिकता थी आपकी सरकार की। देखिए वो भी मॉनिटरिंग भी बहुत जरूरी होती है, मॉनिटरिंग भी रमेश जी बहुत जरूरी होती है, हालांकि आपके द्वारा चलाई जा रही है निश्चित रूप से मॉनिटरिंग जरूरी है। असल में आज तक गांव में हो या शहरों में हो जानवरों को सड़क पर छोड़ने की एक परंपरा बन गई थी, उस आदत को कम करने के लिए गोठान की व्यवस्था की है, तो इसको व्यवस्था होने के बाद इसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। और निश्चित रूप से आने वाले समय में आप ये पाएंगे कि ये जो मवेशी जो सड़क में रहते हैं उस समस्या से प्रदेश को निदान मिलेगा, क्योंकि बड़े पैमाने पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों की मौत हो रही है। रमेश जी सिर्फ एक मेन कारण नहीं था, उसमें 4 कारण और जुड़े हुए थे जिनका आप जिक्र नहीं कर रहे हैं, सिर्फ गाय को अंदर करना नहीं था। सुंदरानी जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, जिक्र कर रहे थे आप। नहीं देखिए मैं इन्होंने एक धान खरीदी की बात कही और धान खरीदी का इनके बढ़ चढ़ के शपथ पत्र भरा था, और आज मुख्यमंत्री जी रामविलास पासवान जी से मिलकर ये मांग कर रहे हैं कि हमारा धान आप खरीदिए। नहीं तो गवर्नमेंट को लेना ही चाहिए। नहीं नहीं रामविलास पासवान जी से आज मिलकर ये धान खरीदने की बात कर रहे हैं, एफसीआई की ड्यूटी तो आपने वादा किया आप खरीदो ना, आपने वादा किया आप खरीदो, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आपने कहा कि दाना दाना धान खरीदेंगे 25% समर्थन, एफसीआई को चावल खरीदना है भाई, धान नहीं खरीदना है। एफसीआई ने जो हमारा चावल का कोटा कम किया है उसकी पूर्ति के लिए गए थे, ठीक है उसकी पूर्ति के लिए रामविलास पासवान जी तो आप दोनों अगर इन्होंने वादा किया है तो इनको पूरा करना है ना, इन्होंने शपथ पत्र भराया है ना, आज रामविलास पासवान जी के पास बात नहीं, ये केंद्र सरकार का दायित्व है। रमेश जी रमेश जी ठीक है मैं आपको समय दिया, उस क्वांटिटी में लेना है उनको, ठीक है ठीक है। महेंद्र जी जिस तरीके से देखा जाए जो आपने बात कही थी कि असर पड़ रहा है, हालांकि पूरी मंदी का ही असर पड़ रहा है, लेकिन उद्योगों की अगर बात करूं तो वाकई जो आंकड़े पेश किए गए ऑटोमोबाइल या फिर कुछ और रियल एस्टेट सेक्टर वहां पर वाकई सत्यता है कि वहां इजाफा हुआ है या नहीं। समय कम है, थोड़ा सा कम शब्दों में जवाब दीजिएगा। हाँ जी देखिए जो ऑटोमोबाइल है उसकी इंडस्ट्री हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है, उसकी ट्रेडिंग है, ठीक है। और मैं जिस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ वो बेसिक जो स्टील इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, मिनरल इंडस्ट्रीज है, जिसका मटेरियल पूरे देश में सप्लाई होता है छत्तीसगढ़ से, वो मंदी से अप्रभावित नहीं है। लेकिन जो ट्रेडिंग सेक्टर है छत्तीसगढ़ का, उसमें मंदी का उस पैमाने में असर इसलिए नहीं है क्योंकि किसानों को बहुत बड़े पैमाने पर पैसा मिला और वो पैसा बाजार में सर्कुलेशन में आया, इसलिए रियल इस्टेट और ऑटोमोबाइल सेक्टर जैसी जो चीजें हैं उस पर मंदी का असर बाकी देश के मुकाबले कम है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तपेशी आखिरी क्वेश्चन आपसे कि अगर जिस तरीके से नीति बनाई जा रही है, जो कि आपने कहा पहले की सरकार टेबल पर बैठकर काम करती थी, बाहर निकलना होगा, ये सरकार बाहर निकलकर काम कर रही है। अगर नीतियों की बात करें, अब तक जो नीति बनाई वक्त ज्यादा नहीं हुआ है सरकार को, क्या आगे इसी तरह से नीतियों पर काम होता रहे या नीति बनाएगी तो वाकई जो अभी अर्थव्यवस्था आंकड़े जो भी कह रहे हो, जैसे कि आपने बोला कि हालांकि छत्तीसगढ़ वो राज्य जहां पर इतना असर इतनी जल्दी नहीं दिखता, यहां पर नहीं दिखता ही नहीं है, लेकिन अगर जिस तरीके से नीति बनाई जा रही है, अगर वो नीति इसी तरीके से बनाई जाती रही भूपेश सरकार के द्वारा और अमल होता रहा, तो वाकई क्या छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था और राज्यों की अपेक्षा बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी?
देखिए छत्तीसगढ़ राज्य की अर्थव्यवस्था को कोई चुनौती नहीं दे सकता। ये यहाँ पे आर्थिक रूप से संपन्न बनने के लिए खनिज संपदा है, वन संपदा है और कृषि की शक्ति है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है, संघीय राज्य व्यवस्था जिस देश में लागू है वहां पे देश और राज्य को अलग अलग देख के हमके कार्य कर रहे होंगे। और हम जब अपने प्रदेश की बात करते हैं तो राज्य सरकार जिस तरीके से कार्य कर रही है और जिस प्रकार की व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश कर रही है, निश्चित तौर पर वह प्रशंसनीय है। अभी जैसे नरवा घोरवा गरुआ बारी वाला जो चल रहा है चार बिंदुओं पर, ये चारों बिंदुओं पर यदि विचार करें तो ये चारों बिंदुओं पर होने वाली आय निश्चित तौर पे कृषि प्रधान संबंधी आय होगी और कृषकों को बचत प्राप्त होगी, स्वावलंबिता की ओर बढ़ेंगे और हमको एक नया दिशा मिलेगा। इसके लिए किसी यंत्र संयंत्र की आवश्यकता नहीं है, हमको इसके लिए कोई रोजगार की आवश्यकता नहीं है, हम स्वयं मेहनत करके अपनी चीजों को संचित कर रहे हैं जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत होते चली जा रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका शीशन सुधरानी जी, रमेश जी और साथ ही साथ तपेश जी और हमारे साथ जुड़े हुए थे महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। तो जिस तरीके से देखा जाए अभी हाल ही में जो सरकार ने आंकड़े पेश किए हैं वो वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि कहा जाता है कि जो नीति भूपेश्वर सरकार ने बनाई है वो जनता की नीति है और जनता उन तक पहुंच भी रही है वो नीतियां, और चाहे वो किसान को लेकर, क्योंकि कृषि प्रधान देश है छत्तीसगढ़, तो इसलिए किसानों को वहां पर जिस तरीके से लाभ पहुंचाने की कोशिश भूपेश्वर सरकार के द्वारा की जा रही है वो वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन जिस तरीके से वहां पर खनिज पदार्थ बहुत है और भी संसाधन बहुत है, इसलिए छत्तीसगढ़ वो एक ऐसा राज्य है जहां पर यह कहना कि अर्थव्यवस्था की मार पड़ सकती है तो ये भी गलत है कहना। तो लेकिन भूपेश सरकार की नीति वाकई जनता की नीति है जो उन तक पहुंच रही है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं।